इसके बैकग्राउंड समझने से पहले ना आपको कुछ दो तीन बातें पता होनी चाहिए। पहले मुझे बताओ कि मैं आइडिया लगाना चाह रहा हूँ कि आपको किसी ने बात बताई है कि ये चीज़ क्या होती है। किसी स्टूडेंट को पता है इसको हम कहते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये क्या होती है और ये क्या है, किसी को भी आइडिया है इसका? सही है, आपने क्या मेरी वीडियो देखी है? और मुझे पता है ये मेरी वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा, वैसे कितने भी लोगों को नहीं पता ये बात, उन्होंने शायद सुनी ना हो। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म वो होती है, ऐसी फॉर्म नाम बता रहा है कि जिसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर नहीं है, उसका आंसर है लेकिन आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट उसका आंसर क्या है। जैसे इसकी बड़ी मशहूर फॉर्म है 0/0, 0/0 का आंसर 1 भी हो सकता है, 0/0 का आंसर 0 भी हो सकता है, 0/0 का आंसर अनडिफाइंड भी हो सकता है। अनडिफाइंड मैं बताऊंगा क्या होता है, जिसको आम लैंग्वेज में आप इन्फिनिटी कह देते हो। तो डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, लेकिन नहीं, 7 टाइप्स होती हैं, 7 टाइप टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म की होती हैं। लेकिन जो फॉर्म्स होती हैं वो मैंने आपको मतलब बता दिया कि ऐसी फॉर्म जिसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते। तो टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 जो हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी यूज़ नहीं होती। लेकिन मैं सब आपको बता देता हूँ। 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये आपको लिमिट में काफ़ी काम आएंगी। उसके बाद जो 2 हैं वो एक है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और एक है 0 × इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी। तो ये 4 तो काफ़ी मशहूर है इंडिटरमिनेट फॉर्म, बाकी भी मिलेंगे आपको आई गेस। 1 की पावर इन्फिनिटी एक ये भी होती है, 0 की पावर 0 एक ये भी होता है, और 7 मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मेरे ख्याल में इन्फिनिटी की पावर 0 है, या 0 की पावर 0, हाँ इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी होगा ये, ठीक है, मैं फिर भी कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को। तो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसमें से शुरू की 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जहन में होनी चाहिए, और ये 2 भी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह 1 की पावर इन्फिनिटी और आगे जो है वो बहुत कम ही यूज होती हैं। ये वो सब वो वाली फॉर्म है जिनका आंसर आपको नहीं पता। तो इसका मतलब जब भी आप कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो जिसमें से कोई भी 7 आ जाए, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है, ना आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इसका आंसर ही नहीं पता। तो आपको कुछ चेंजिंग वेजिंग करनी पड़ेगी, वरना आपका आंसर आसानी से आ नहीं सकता। तो इसको आप बोलोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। एक होती है अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म होती है जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो आप मैथ के रूल्स को डिसोबे कर दोगे। तो अनडिफाइंड फॉर्म बड़ी मशहूर है 1/0, जिसको आम तौर पर हम इन्फिनिटी लिखते हैं, वो कॉन्सेप्ट गलत है, मैं बता दूंगा इन्फिनिटी कब लिखते हैं हम। लेकिन कैटेगोरी के लिए आप ये नहीं बता सकते 1/0 इन्फिनिटी के बराबर है, क्योंकि फिर आप इन्फिनिटी को एज अ नंबर ले लोगे, इन्फिनिटी नंबर नहीं है, इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहरहाल, तो अनडिफाइंड फॉर्म है 1/0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये चीज। अब ये तो कुछ आपको बैकग्राउंड समझ आ गया होगा, अब लिमिट्स पे आ जाओ। यार कितने ऐसे फंक्शन है, मैं एक एग्जाम्पल देके बात खत्म करता हूँ, और ये फंक्शन है f(x) = x²-4/(x-2)। अगर मैं आपको बोलूं इस फंक्शन की आप वैल्यू निकालो एट x = 2 के ऊपर, तो आप जब यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी 2 पुट कर दो तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, और 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका मतलब आपको इसका आंसर नहीं पता। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट को, जिसको आप लिमिट्स कहते हो। लिमिट्स क्या करती हैं कि अगर आप किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, लेकिन उसके करीब तरीन वैल्यू तो पुट कर सकते हो ना। जैसे इस फंक्शन के अंदर मैं 2 पुट नहीं कर सकता, लेकिन मैं 2.1 पुट कर सकता हूँ, मैं 1.9 पुट कर सकता हूँ। तो लिमिट क्या करती है, जो वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं ना, उस वैल्यू के बहुत ही करीब तरीन को वैल्यू पुट करती है, और फिर देखती है कि फंक्शन का आंसर क्या रहा है। ये बेसिकली मकसद होता है लिमिट का। दैट्स वाई लिमिट की जो नोटेशन है ना, वो ये वाली होती है। जैसे ये इनडिटर्मिनेट है ना, आप नहीं निकाल सकते, तो आप फिर लिमिट के जरिए से निकालोगे। आप लिखोगे लिमिट, इसको हम बोलते हैं x tends to या x approaches to 2, मतलब x 2 के बराबर नहीं है लेकिन 2 के करीब है। जैसे 1.99999, ये 2 के करीब है। करीब दो तरीकों से आ सकते हो, आप लेफ्ट से भी आ सकते हो, राइट से भी आ सकते हो। मतलब 1.999 ये भी 2 के करीब है, 2.0001 ये भी 2 के करीब है। और आप क्या लिखोगे, f(x)
ठीक है, ये इसकी नोटेशन होती है कि जिस फंक्शन की आपने लिमिट लेनी है आप एफ ऑफ एक्स लिखो, और जब आप इस फंक्शन की लिमिट निकालोगे ना तो आपके पास फोर आंसर आ रहा होगा, वो हम देख लेंगे किस तरीके से आपने मालूम करनी है, लेकिन ये बेसिक नोटेशन और बेसिक मकसद होता है जिसके लिए आप लिमिट यूज़ करते हो। सर डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं इसके लिए, डेरिवेटिव ले सकते हैं इसके लिए, यार मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, या तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो या माइक्रोफोन ऑन करके बता दो। लिमिट दो चीज़ों की आप निकालते हो, एक तो लिमिट आप सीक्वेंस की निकालते हो, एक आप लिमिट फंक्शन की निकालते हो। याद रखो जब भी आपसे बोला जाए लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, इसका मतलब अच्छा उससे पहले एक और बात बता दूं मैं आपको, कुछ प्रॉपर्टीज कह लो, थ्योरम्स कह लो लिमिट के, आपने पढ़े भी होंगे, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे आपने एक पढ़ा था कि अगर आप कॉन्स्टेंट की लिमिट निकालो तो कॉन्स्टेंट ही होती है वो, कॉन्स्टेंट की लिमिट पे कोई असर ही नहीं पड़ता, आप कॉन्स्टेंट में कुछ भी लिमिट पुट कर दो आंसर कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। फिर आपने ये वाली लिमिट बहुत मशहूर आपने पढ़ा होगा कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, जैसे एफ फंक्शन और जी फंक्शन, ये दो ऐड हो रहे हैं, अब मैं एक्स नहीं लिख रहा जल्दी के लिए, समझाने के लिए आपको बस बता रहा हूँ, तो अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप क्या करो, आप उन दोनों की अलग अलग लिमिट मालूम करो। एफ फंक्शन की भी मैंने लिमिट मालूम कर ली, जी फंक्शन की भी मैंने लिमिट मालूम कर ली, और फिर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो उनको। पहले इसमें था कि आपने फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया उसके बाद लिमिट ली, ये बराबर है कि पहले आप दोनों की लिमिट ले लो उसके बाद आप दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप अलग अलग लिमिट लेके फिर मल्टीप्लाई करते हो। यही प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी है कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो आप पहले दोनों को अलग अलग लिमिट लो और फिर आपस में डिवाइड कर दो। तो सबके लिए सेम प्रॉपर्टी है, तो मैं एक ही लिखवा रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। फिर एक और फॉर्मूला है कि अगर ऐसी चीज़ की लिमिट लो जिसकी पावर मौजूद है, जैसे इस फंक्शन की पावर n मौजूद है, तो आप क्या करो इस लिमिट को भी धक्का दे के पावर के अंदर ले आओ। ठीक है, पहले ताकि फंक्शन की पावर लो उसके बाद लिमिट लो, इसमें है कि पहले फंक्शन की लिमिट ले लो फिर जो भी आंसर आए उसकी पावर ले लो। तो ये काफ़ी मशहूर कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट के, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसी तरह आप लोगों की बुक में एक थ्योरम भी लिखा हुआ है जिसको आप सैंडविच थ्योरम कहते हो, ठीक है, ये आपकी बुक में मिल जाएगा आपको, इसको हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं या इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। ये नाम से बता रहा है कि कहना क्या चाह रहे हो। इसमें होता यह है कि अगर दो फंक्शन आपके पास मौजूद हैं, तीन फंक्शन कंसीडर कर लो, जो नीचे वाला फंक्शन है, मतलब सबसे मैं एग्जांपल डायग्राम से देखे बता देता हूँ। अच्छा, लिमिट एक वाई वैल्यू होती है, मतलब लिमिट कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, लिमिट वाई वैल्यू है। जैसे आपका फंक्शन ड्रॉ हुआ है ना, तो आपने लिमिट पुट की एक्स अप्रोचेस टू टू, तो आपको जो आंसर मिलता है वो बेसिकली वाई वैल्यू मिलती है। तो आप लेट कर लो यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक फंक्शन को लेट कर लो, ये एच ऑफ एक्स है, एक दूसरा फंक्शन इसको आप लेट कर लो, मैं थोड़ी बड़ी डायग्राम बना देता हूँ, ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या थ्योरम है ये। लेट कर लो जो बाहर वाला फंक्शन है ये एच फंक्शन है, नाम दिया हुआ है, सेकंड वाला फंक्शन जी है, और बिल्कुल एंड वाला फंक्शन जो है वो एफ है। ठीक है, होता ये कि जब कोई भी दो फंक्शन के दरमियान कोई तीसरा फंक्शन आ जाए, इसको हम बोलते हैं सैंडविच। सैंडविच के अंदर क्या करते हो, दो ब्रेड के अंदर आपने जो भी अंदर मटीरियल होता है उसको आपने स्क्वीज किया हुआ होता है, तभी इसका नाम स्क्वीज है या सैंडविच थ्योरम आप इसको कहते हो। कि जब आपके पास देखो एक फंक्शन एच है और एक फंक्शन एफ है, उसके दरमियान एक फंक्शन जी जा रहा है, ठीक है, तो मतलब ये दरमियान वाला फंक्शन, दो फंक्शन ने दरमियान वाले फंक्शन को स्क्वीज किया हुआ पूरा। तो होता ये कि कंसीडर करो अगर आपने एच की लिमिट निकाली, मतलब सबसे जो बाहर वाला फंक्शन है, इसी तरह आपने एफ की लिमिट निकाली, अगर एच और एफ इन दोनों की लिमिट सही आ रही है, सॉरी अगर एच और एफ की दोनों की लिमिट सेम आ रही है, जैसे एच की लिमिट भी टू है और कंसीडर कर लो एफ की लिमिट भी टू है, तो जो इनके दरमियान सैंडविच हुआ है ना जी फंक्शन, उसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, टू के बराबर हो जाएगी। तो इसको आप थ्योरम में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे एच सबसे बड़ा फंक्शन है, फिर जी है, फिर एच है, एफ है। तो आप किस तरह डिफाइन करोगे कि एच फंक्शन जो है वो ग्रेटर है जी से,
और जी जो है वो ग्रेटर है एफ ऑफ एक्स है। सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करो, एच ग्रेटर है क्योंकि एच सबसे ऊपर है, फिर जी है, फिर एफ है, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपने निकाली एच की लिमिट और अगर वो बराबर है एफ की लिमिट से, लेट कर लो एच की जो आपने लिमिट निकाली और जो एफ ऑफ एक्स की लिमिट निकाली, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये किसी नंबर एल के बराबर है। कंसीडर कर लो कि एच की लिमिट भी एल के बराबर आ रही है, एल कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी, और एफ की लिमिट भी वही आ रही है जो एच की आ रही थी। तो अगर इन आउटसाइड फंक्शन की, मतलब सबसे बड़े वाले फंक्शन और सबसे नीचे वाले फंक्शन की लिमिट एल है, तो जो इनके दरमियान बेचारा स्क्वीज हुआ हुआ है ना, सैंडविच हुआ हुआ है जो जी फंक्शन, उसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, उसकी लिमिट भी एल के बराबर हो जाएगी। और ये आपको दिखने में लग रहा है इस पॉइंट पे ये लोग बहुत क्लोज हैं, तो लेट कर लो अगर ये कोई एक्स वैल्यू है, इस पे आप एच की लिमिट निकालो, इस पे आप अगर एफ की लिमिट निकालो, ये ऑलमोस्ट बराबर है, और जो इनके दरमियान वाला होगा जी, उसकी लिमिट भी क्या होगी, इसके बराबर ही हो जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरे एक्स वैल्यूज पे इनका मतलब सेम हो, मतलब पूरे एक्स वैल्यू पे, क्योंकि आगे जाके देखो इनमें फर्क आ गया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्स वैल्यू होगी जिस पे एच और एफ की लिमिट बराबर हो जाएगी, और जब इन दोनों की बराबर होगी जो, तो इनके दरमियान जी जो है उसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, सैंडविच थ्योरम, या इसको स्क्वीज थ्योरम कह देते हैं। यहां तक बात समझ आइए, कोई सवाल यहां तक? उसके बाद देखो यार, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले भी बताए थे कि एक होता है सीक्वेंस की लिमिट निकालना, एक होता है फंक्शन की लिमिट निकालना, इन दोनों में फर्क है, ये सेम नहीं है। जब भी आपके पास सीक्वेंस गिवन होना और आपके बोला जाए कि इसकी लिमिट निकालो, तो याद रखना उसमें आप हमेशा इन्फिनिटी पुट करते हो, मतलब आप उस सीक्वेंस की सबसे पहले जनरल फॉर्म निकालते हो, उसके बाद उसके अंदर जो आप लिमिट पुट करोगे वो हमेशा इन्फिनिटी पुट करोगे, क्योंकि जब सीक्वेंस एक मौजूद होती है ना, तो आप उसकी लिमिट देखते हो। जैसे अगर एक सीक्वेंस है ये वाली, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसकी लिमिट निकालो, तो उसका मतलब ये होगा कि आप ज़रा चेक करो कि इसकी टर्म जो है कहाँ तक जा रही है, ये कंटिन्यू सीक्वेंस है, ये चलती जा रही है, तो लिमिट निकालने का मतलब आप ज़रा देखो कि जा कहाँ पे रही है ये। आपको दिखने में लग रहा है कि ये बढ़ती जा रही है 1, 5, 9, 13, तो अगर आप जितना बढ़ते जाओगे नंबर बढ़ता जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप इसकी लिमिट निकालोगे इसकी लिमिट भी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, क्योंकि जैसी टर्म बढ़ती जा रही हैं, मतलब जैसी नंबर ऑफ टर्म बढ़ रही हैं, पहली टर्म 1 थी, दूसरी टर्म 5 थी, तीसरी टर्म 9 होगी, चौथी टर्म 13 होगी, तो जैसी नंबर ऑफ टर्म बढ़ती जा रही हैं नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर एक नंबर ऑफ टर्म बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी तो नंबर भी आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, उस बहुत बड़े नंबर को आप क्या बोलते हो, इन्फिनिटी बोलते हो। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, बाकी बातें बाद में करेंगे, कि जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट में आप हमेशा इन्फिनिटी पुट करोगे, ठीक है। और कैसे पुट करोगे, सबसे पहले आप इसकी जनरल फॉर्म निकालोगे, जैसी जनरल फॉर्म आ जाएगी उसके बाद आप इन्फिनिटी पुट करोगे। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता देता हूँ। ये टॉपिक जो है बाय द वे 1.3 का मैं करवा रहा हूँ, जो आप लोगों की बुक में मिल जाएगा, और मैं बुक से ही एग्जाम्पल पिक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 1.3 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक देखो ना, तो आपके पास सब सीक्वेंसेस की जनरल टर्म मौजूद हैं, आपने लिमिट निकालनी है, तो आप क्या करना, आप उन जनरल टर्म के अंदर n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देना, तो आपके पास लिमिट आ जाएगी। रेंडमली पुट नहीं करते, मैं बता देता हूँ किस तरह पुट करना है। मैं एक मुश्किल वाला सवाल करवा रहा हूँ, ये वाला। इसमें ये होगा कि पहले आपको जनरल टर्म निकालनी होगी, उसके बाद लिमिट पुट करोगे। तो ये देख लो, शुरू के क्वेश्चन तो आपको वैसे समझ आ जाएंगे, लेकिन जो होमवर्क होगा ना, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक होगा, एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें ऑलरेडी जनरल टर्म मौजूद है। तो इसमें तो आपको पहले जनरल टर्म निकालनी पड़ेंगी। किस तरह निकालोगे, आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए, एपी चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म आपको आनी चाहिए। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये था, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो अगर आप देखो, ये जो है ना, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा भाई, ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो अगर आप देखो, इस न्यूमरेटर को दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 और 6 हो रहे हैं। तो आप इसको इसका इस तरह कंसीडर करो, 1, 3, 5,
एक सीक्वेंस ये पूरी बनती जा रही है, फिर 2, 4, 6 एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ये बनती जा रही है, फिर 3, 5, 7 एक ये बन गई, 4, 6, 8 और ये चलता जाएगा, अगले में फिर 10 हो जाएगा, ये पूरा सिलसिला चल रहा है। ये मैं अभी बताता हूँ कि लिमिट 1 होगी या क्या होगी, पहले जनरल टर्म तो देख लो इसकी। आपने क्या करना है, जो पहले चल रही है ना 1, 3, 5 इस पर ये फॉर्मूला लगा देना, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 2n - 1 आ जाएगा। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ सीक्वेंस की, 1, 3, 5 जो चलती हुई आ रही है ना 1, 3, 5 इसके जब आप जनरल टर्म निकालोगे ना तो आपके पास 2n - 1 जनरल टर्म आ रही होगी, पॉइंट। फिर एक सीक्वेंस है 2, 4, 6 अगर आप इसकी जनरल टर्म निकालोगे तो आपके पास 2n आ रही होगी, इसी फॉर्मूले से निकाल के देख लेना। फिर एक और सीक्वेंस है 3, 5, 7 इसकी जब आप जनरल टर्म निकालोगे तो आपके पास आएगी 2n + 1 और फिर एक और सीक्वेंस है 4, 6, 8 और चलती जाएगी 10, 12 इसकी जब जनरल टर्म निकालोगे तो 2n + 2 आ जाएगी। ये आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल के देख लेना। तो शुरू के क्वेश्चन में ये जनरल टर्म गिवन है आपको, इस वाले क्वेश्चन में जनरल टर्म निकालनी थी मैंने निकाल दी। अब असल काम क्या कर रहे हैं, आपको सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। तो मसला ये है कि सीक्वेंस की लिमिट हमेशा आप इन्फिनिटी पुट करोगे, तो आप लिखो यहाँ पे, इसको हम टी एन का नाम दे देते हैं ज़्यादातर या ए एन का नाम दे देते हैं, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, पूरी जो सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है वो लिख दो, 2n - 1 2n फिर है 2n + 1 और ये हो जाएगा 2n + 2 ठीक है। अच्छा MCQs में स्टेप मैटर नहीं करते, आप लोगों को समझाने के लिए मैं स्टेप लिखा हुआ है, वरना डायरेक्ट ये जब जनरल टर्म निकालो तो उसके बाद ही लिमिट पुट कर देना। अब मसला ये होता है कि जब इन्फिनिटी आपके पास आ जाता है तो इन्फिनिटी से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इन्फिनिटी को कोई असर नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा नंबर। जब एक बहुत बड़ा नंबर है उससे अगर आप माइनस वन कर दोगे तो उसको कोई असर होगा, या आप उससे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो वो और बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी से ही लिखोगे आप उसको। तो अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ऊपर भी पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे भी पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी टेक्निक ये होती है कि जब भी आपके पास इन्फिनिटी की आप में लिमिट पुट करनी है, सीक्वेंस के अंदर आप इन्फिनिटी पुट करते हो, तो आपको n किसी तरह रिमूव करना होगा। n रिमूव करने का तरीका ये होगा कि आप n कॉमन ले लोगे, ठीक है, मतलब n जो है वो नीचे फ्रैक्शन के अंदर आए, ऊपर ना आए, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप n कॉमन ले लो, पहली वाली टर्म से जब आप n कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 / n। अब 1 के अंदर n मौजूद है नहीं, इसको हम ज़बरदस्ती का कॉमन कहते हैं। जब 1 के अंदर मौजूद नहीं है और आप n कॉमन लोगे तो n से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह आप इसमें तो ऑलरेडी n आया हुआ है तो उसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा नीचे भी आप इससे n कॉमन लो, ये हो जाएगा 2 + 1 / n और इससे जब n कॉमन लो ये हो जाएगा 2 + 2 / n। n इंटू n, n स्क्वायर, n इंटू n, n स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो आपके पास क्या बचेगा, 2 - 1 / n, यहाँ पे बच गया 2, नीचे क्या होगा 2 + 1 / n और ये हो जाएगा 2 + 2 / n। अब आपका n जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया, मसला आपका हल हो जाएगा। क्यों, याद रखना अगर आप 1/0 की लिमिट निकालते हो, मैंने बताया था 1/0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं है, लेकिन 1/0 की लिमिट जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होती है। तो 1/0 की लिमिट इन्फिनिटी होती है और 1/∞ की लिमिट 0 होती है। 1/0 ∞ 1/∞ 0। तो n जैसे ही आपका डिनोमिनेटर में आ गया ना, अब आपका आंसर इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तभी मैं कह रहा था कि n किसी तरह डिनोमिनेटर में ले आओ। अब आप लिमिट पुट करो, ये 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, इसी तरह नीचे भी आप n की जगह पे पुट कर दो इन्फिनिटी और इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा 2/∞। जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट कर दो, तो 1/∞ 0, ये भी 0, 2/∞ भी 0। तो ऊपर 1, 2 ये बचेगा, 1, 2 ये होगा, ये हो जाएगा 4। इसी तरह नीचे 1, 2 ये होगा और 1, 2 ये बचेगा, क्योंकि बाकी चीज़ तो वो 0 ही भी होंगी, ये 4 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो नॉर्मली जब आपके पास MCQs आते हैं तो वो आपको जनरल टर्म में कन्वर्ट करके दे देंगे,
उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि सीक्वेंस की लिमिट निकालो। तो प्रोसेस मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया, करना क्या है आपने बस इन्फिनिटी पुट करना होता है, और रेंडमली आप पुट नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम पावर कॉमन लेना, इनमें मैक्सिमम पावर एन ही है, अगर यहाँ पे एन स्क्वायर होता तो आप एन स्क्वायर कॉमन ले लेते। मैं एक और एग्जाम्पल करवा दूंगा ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए आप लोगों का। ये तो सर लिमिट वन होगी, हाँ ना, वन होगी, एंड पे वन आ रही है लिमिट। यार किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, बुक से उठा के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कंसीडर कर लो एग्जांपल है भाई। जनरल टर्म आपको ऑलरेडी गिवन की हुई है, 3n-1 n4-n डिवाइडेड बाय n2+2 n3+1, ये जनरल टर्म गिवन है। सवाल है भाई आपने लिमिट निकालनी है। अच्छा इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है एक, जिसको आप कहते हो एल हॉपिटल रूल, जो मैं आपको फंक्शन में बताऊंगा, यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक इतनी शॉर्ट होगी नहीं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको 2-3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो उससे इजी मेथड आप ये वाला कर लो, तो यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक इतनी वैलिड है नहीं, लेकिन जो फंक्शन है उसके अंदर काफ़ी काम आएगी, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको काफ़ी आसानी देगी। यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया है कि जो मैक्सिमम पावर है आपने उसको कॉमन लेना है, जैसे पहली टर्म में मैक्सिमम पावर एन है तो आप एन कॉमन ले लो। अच्छा दूसरी टर्म में अगर आप देखो मैक्सिमम पावर n4 है तो आप n4 कॉमन ले लो। अच्छा जब n में से n4 कॉमन लोगे ना तो नीचे n3 आ जाएगा, क्योंकि जब आप n4 को दोबारा इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे ना तो n4 डिवाइडेड बाय n3 दोबारा n के बराबर हो जाएगा, तो ये ज़बरदस्ती का कॉमन लिया हुआ मैंने। इस तरह नीचे भी आप यही काम करो, एन स्क्वायर कॉमन ले लो, 1+2 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से आप n3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1+1/n³। ठीक है, अब दिखने में लग रहा है n को n4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर हो जाएगा n⁵, नीचे भी n² को n³ से मल्टीप्लाई करो n⁵, तो ये सब पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मैंने बताया भाई MCQs है, स्टेप मैटर नहीं करते। आपको दिखने में लग रहा है जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, 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 तो ऊपर एक 3 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा बस वो, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 के बराबर। इसके बाकी भी 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये सबसे इजी अच्छा लगता है मुझे तरीका, कि MCQs में आपने एक स्टेप में ही अपना आंसर निकाल लिया और वो 3 के बराबर है। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसकी मजीद एग्जाम्पल आपको नजर आ जाएंगी, पास पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं उसके अंदर भी देख लेना, बाद में भी मैं आप लोगों को MCQs प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस याद रखना हमेशा आप इन्फिनिटी पुट करते हो, लेकिन जब बात फंक्शन की जाए ना तो फंक्शन में वो आपको बता देते हैं कि इस फंक्शन में आप 2 पुट करो, 1 पुट करो, इन्फिनिटी पुट करो, कुछ भी पुट करो, लेकिन जब सीक्वेंस की बात की जाए तो सीक्वेंस में हमेशा आप इन्फिनिटी ही पुट करते हो। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो। अपॉन में क्या यार, इसको बस समझने का एक तरीका है, समझ लो कि आप मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे पहले ये था 3n-1, मैंने n कॉमन लिया, n को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करो 3n आ जाएगा, n को दोबारा -1/n से मल्टीप्लाई करो -1 आ जाएगा, तो आपने कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन मैं इसका प्रोसेस बता दूँ, होता ये कि जब किसी चीज़ के अंदर वो मौजूद नहीं है ना, जैसे 1 है, अब मैं 1 से n कॉमन ले रहा हूँ, 1 के अंदर तो मौजूद नहीं है, तो आप सिंपल क्या करो, अंदर उसको डिवाइड कर दो, बाहर n को कॉमन ले लो और अंदर उसको डिवाइड कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते थे वो काम कर लो आप सिंपल। जैसे यहाँ पे देखो 2 के अंदर n स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो मैंने जब ज़बरदस्ती से n स्क्वायर कॉमन लिया तो मैंने इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इसको ज़बरदस्ती कॉमन आप कह लो। इन्फिनिटी ऑफ हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट आंसर होगा, सवाल क्या पूछा है, इन्फिनिटी ऑफ हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट आंसर होगा। यार जरा माइक्रोफोन ऑन कर पूछ लो, आपके वर्ड्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं।
जल्दी जल्दी पूछ लो। ज़रूरी नहीं है, वो अभी फंक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वो जो आप बता रहे हो वो इस टाइप का होता है, इस पे वैलिड है। आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ, एन की फॉर्म में। चलो मैं बता देता हूँ, वो जो आप बता रहे हो वो ये है कि जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री इक्वेशन की सेम है, मतलब ऊपर देखो ऊपर भी डिग्री 3 है, नीचे भी डिग्री 3 है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, फिर अगर आप इन्फिनिटी पुट करो ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है कि ऊपर जो एन क्यूब के साथ लिखा हुआ है और नीचे जो एन क्यूब के साथ लिखा हुआ है। यार तुम्हारे पीछे बहुत शोर है, बाकियों को मेरी आवाज़ ही क्लियर नहीं होगी। क्या क्या काम कर रहे हो, क्या ईंटे रख रहे हो, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही पीछे से। तो ये मैं भी बताऊंगा ट्रिक, ये आप लोगों को मैं फंक्शन के अंदर बताऊंगा, क्योंकि फंक्शन में ऑलरेडी इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। अब इधर अगर आप पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर उस पर ट्रिक लगाओगे, उससे बेहतर नहीं कि एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। तभी मैंने कहा था मेथड बहुत है, लेकिन मुझे यहाँ पे सूटेबल ये लग रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फंक्शन में आप देखोगे ये वाला गिवन होगा, तो इसमें फिर मैं ये थोड़ी ना करवाऊंगा। इसमें सिंपल है कि भाई अगर दोनों की डिग्री सेम है और लिमिट आपने इन्फिनिटी पुट करनी है, तो ऊपर 3 नीचे 5, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा।